बोले हमारे 3 मिलियन फैमिली हो गई यूट्यूब की, दोस्ती हो चुकी है। अरे ये तो अपना दोस्त है ये मुन्ना। कहते एक मिनट रुक जाओ, कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ आए लड़ने के लिए आ रहे हैं कुछ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल LOL। तो चलिए पहले व्यू दिखा देती हूँ कि हमारे रूम से व्यू कैसा है। गोला उठ गया है और गोला उठते ही बाहर चला गया। मैं दिखाती हूँ, ये देखो सुबह सुबह गोले का जी मोला है। दीदी उसकी ओहो पैर भी निकल गया उसकी पजामी से। पांडे जी आ गए हैं, तो ये पांडे जी का बेटा हूँ। अभी तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक हो गई। बेचारे पांडे जी कल से गोले को ले नहीं रहे थे। Welcome home, man. आज सुबह सुबह ठीक हो गया और गोला चला गया अपने पांडे जी के पास। बहुत सारे लोग हमें बधाई देते हैं कि आपके 3 मिलियन हो गए हैं। बोले हमारे 3 मिलियन फैमिली हो गई यूट्यूब की। जब इसको लगता है ना किसी का परफॉर्मेंस इसके सामने अच्छा हो रहा है तो ये रोने लग जाता है। हम एक हो गए ना जोड़ी में, इसलिए अकेला पड़ गया। हाँ, सो थैंक यू सो मच, सब लोगों ने हमें इतनी कांग्रेचुलेशन बोला, बधाई दी। आप लोगों का प्यार है तभी 3 मिलियन हुए, वरना हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। बस आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम ऐसे ही लगे रहेंगे, आपको खुश करते रहेंगे। यस, 3 मिलियन के लिए कुछ कहना चाहोगे? 3 मिलियन के लिए थैंक यू सो मच, और आप और भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमको इतना प्यार देने के लिए। और ये जो टोपलू है ये यहाँ पे आके बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं और हर्ष बहुत खुश हैं कि कल हमने नीम करोली बाबा के दर्शन किए, इतने अच्छे टाइम पे हम पहुंचे, वहाँ पे आरती हो रही थी, गोला भी वहाँ पे एकदम पूरा भक्त बना हुआ था। सच में हर्ष गोला बहुत अच्छा है, बस दूसरा गोली भी ऐसी हो जाए, है ना हर्ष? गोली होगी, गोलू होगा, पता नहीं। और ये है उसका गेट जो आप ब्लॉग्स में देखते हैं। ये सौरभ हमारे इंतजार में खड़ा है। सो फाइनली उस घर में आ चुकी हूँ जिसे आप रोज सुबह 8 बजे देखते हैं ब्लॉग में, सौरभ जोशी के। यार ये सौरभ जोशी मुझे लगा सिर्फ ब्लॉग ही बनाता है, तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। मदर टेरेसा, घोड़ा, शेर, ये कौन है? ये ऐसे ही अंकल जी ना बनाए। तुम मगरमच्छ बना सकते थे, ए जिराफ, शेर, लेकिन मेरा और हर्ष और गोले का नहीं बना सकते थे। और ये सारे खड़े हैं। अरे बॉबी भैया बैठो आप। पांडे जी क्या हुआ? सीटी की आवाज आ रही, कुकर की आपको खुशबू आ रही है। क्या है मैडम, खाना लगता रेडी है इनके घर, खुशबू आ गई। मुन्ना से दोस्ती हो चुकी है। अरे ये तो अपना दोस्त है ये मुन्ना। ओरियो सांस रोक ली मैंने। सो गोले को बाइक मिल गई है, बाइक पे वो हुए। बच्चों को खाता है? खाता कहीं काटता है? उसको छोटे बच्चे पसंद है, ताकि छोटे बच्चे कुछ नहीं कहते ना यहीं। यार ये किसके बटन है सारे? ये दोनों चैनल के मेरे। और ये वाले? अच्छा दोनों चैनल के हैं, ओके। और ये इतना बड़ा लाल यूट्यूब? यहाँ से पता चलता है कि इन्होंने कितनी किंडर जॉय खाई है। और ये कहाँ, ये इतने बड़े कहाँ से निकले किंडर जॉय से? भी यहाँ पे एडिटिंग होती है, वीडियो बनाते हैं ना, गेमिंग वीडियो, गेमिंग वीडियो बनाता है, 3 महीने में एक वीडियो जो डालता है। भाई तेरे से बड़ा इसका स्टूडियो है। ओ गॉड, ओ यार पीयूष, क्या तुम गेमिंग करते हो ना? मैं भी करूंगी किसी दिन तुम्हारे साथ। कैसे करते हैं?
अपने घर बैठे अलग अलग हो सकता है? आज ही कर ले, आज ही कर लो, बस लाइट आ जाए, एक बार लाइट आ जाए मैं बताऊंगा। हाँ करते हैं आज, अगर लाइट आ जाए तो ना ठीक हो गया। यार, हम जा रहे हैं सौरभ का नया घर देखने जो बन रहा है, और इन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा कि हमको छाते दिए सबको अलग अलग। ये देखिए लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक हुआ है, सब वीडियो देख रहे हैं। कॉमेडी शो लगाओ हमारा, देखो देखा हूँ, एक बंदे ने मुझे पहचान लिया। देखते कॉमेडी शो? अभी क्या ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक हुआ है? कितनी देर का लंच ब्रेक होता है? एक घंटे का। एक घंटे का तो सो ना, फिर सो जाइए, फिर एक घंटा खत्म हो जाएगा। मेरे स्कूल में 20 मिनट का हो रहा है। स्कूल में कितने का होता है? 20 मिनट का। देखो भैया, स्कूल में बच्चे का जो होती है रिसेस खाना खाने की, वो 20 मिनट की, और आपका एक घंटा हुआ। ये गलत बात है भाई, इनको एक घंटा, बच्चों को 20 मिनट की हो यार। लेकिन गर्मी बहुत है, बहुत है भाई। धन्य है ये लोग जो गर्मी में काम कर रहे हैं। ये है सौरभ का घर। क्या खाओगे? कहाँ आंवले होते हैं पर पता नहीं, सीजन ओलिव। ओलिव नहीं नहीं, ये कह रहा सोसाइटी का नाम ओलिव है, तो ओलिव उगते हैं यहाँ पे। सौरभ का घर भी देख कर आ रहे हैं, बाहर सौरभ के फैंस भी आ गए हैं, सब्सक्राइबर। सो बड़ा मुश्किल होता है एक बंदे के लिए कि जब आप घर आ जाते हो और बाहर प्रॉब्लम्स करते हो, तो उसकी आप, मैं देख रही हूँ कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है यार। आप किसी को प्यार करते हो ना, जब आप किसी को प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो ना, तो कभी उसको प्रॉब्लम नहीं देते। अब बारी है भाट की दाल और सॉरी मैं भाट कह दिया, भट की दाल। क्या बेटा इसको सारी आइटमें पता, क्या क्या है बेटा? खीर तो बोली थी पहले, खीर खानी चाहिए थी ना सबसे पहले। हाँ, और भट के डुबके, और भट की क्या चीज है? भट साहब हो रहा है कुछ भैया? भट आज मेन गेस्ट भामनी भट है, तो उन्हीं की सब चीजें बनी है। हर्ष को काफी भूख लगी, मैंने देख लिया इस बंदे ने सुबह से फ्रूट ही खाया था ना। मैं अभी खाना खाएंगे हम, इसलिए हमने कम खाया था। हाँ यार, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, कब से कह रहे हैं खाना खाते, दे ही नहीं रहे लोग। अभी भी बैठे हुए देखो, मुस्कुरा रहे हैं, कोई इनमें से उठा प्लेटें रखने कुछ नहीं। मम्मी गई खाना लाने, और हमारा गोलू ये सो गए हैं। अरे भट साहब, फाइनली खाना रेडी हो गया है और वही चीजें बनी है। भट के सब कुछ बना, बहुत कमाल सच में। आप बॉम्बे कब आओगे? ये सब लेकर आना, उधर बनाना मेरे घर। यार क्या पसीना देख रहे हैं आप, सिर्फ खाना खाते ही पसीना है सच में यार। आज ऐसे लगा कि कई दिनों के बाद खाना। कब आएगी गाड़ी निर्मल भैया? गाड़ी कब आएगी? सो गाइस, ये निर्मल भैया है हल्द्वानी से, और अच्छी सुशील लड़की की इनको क्या है, खोज है, तलाश है। तो अच्छी सुंदर जो लड़कियां हैं पढ़ी लिखी, वो डीएम करें हमें पर्सनल, अगर इस लड़के के लिए इच्छुक हो। नहीं, शादी नहीं करनी, 10 साल। सो दोस्तों, बाय बाय का वक्त आ गया, और जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतना अच्छा खाना खाया है, दिल करता है यहीं पे सोता। नेक्स्ट टाइम, हाँ नेक्स्ट टाइम आएंगे, जल्दी आ जाए ना आप, जल्दी नेक्स्ट टाइम आएंगे, ज्यादा टाइम के लिए है ना, बहुत लंबे 4-5 साल के लिए आएंगे। जब तक ये खुद नहीं कहेंगे कि आप कब जाएंगे, तब तक इधर ही रहेंगे। और ये देखो भाई, उसके डाइपर पे काट रहा है। भाभी भैया बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आपने क्या खाना खिलाया है सच में। नहीं, इसीलिए कैमरा इधर किया, इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया, ये बहुत अच्छा चुप रहे, और चाची बहुत ज्यादा हंसी, और इन्होंने खाना सर्व किया, ये भी चुप रही, काफी हद तक चुप रहे। गोले चले अभी, चलिए अब आया फाइनली बाय बाय का वक्त। बाय, ठीक है, नमस्कार। बॉबी भैया थैंक्स फॉर कमिंग, अच्छा लगा आप आए, बहुत मिस करेंगे आपको, आपको तो देखते ही रहेंगे रोज। चल बेटा, पैर पूरे हाथ, ये है अपने पापा जी। अरे सॉरी, प्रणाम करते भैया इधर तो।
और कोई रह गया बेटा? इन्होंने हमारे पैर साफ कर दिए प्रणाम कर करके। बहुत अच्छा लगा यार, मैं तो इमोशनल हो रही हूँ जाते जाते, इससे पहले रो पड़ो चलो भाई जल्दी यार। फाइनली हम हाईवे पे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। मैंने इनको बोला दादा को जाओ आप भी थोड़ा हल्के होके आओ, किडनी खराब मत कर लेना, सब लोग जा रहे हैं। मुन्ना भी उतरा है, सब उतरे हैं, ये झाड़ियों में घुसे हैं। अरे हर्ष दिखा था मुझे। तो दोस्तों हम टोल नाका पे थे, सामने एक ट्रक है, उसमें एक बच्चे, छोटे से बच्चे ने मुझे पहचान लिया, उसने सबको बता दिया। वो तो सारे सो रहे थे ट्रक पे, अचानक से सारे उठ गए, अभी भी हमको बाय कर रहे हैं। ये देखिए ये है वो बच्चे। अब सीधा दिल्ली जाके उतरेंगे, दिल्ली दिल वालों की। तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली, माइंड ब्लोइंग दर्शन हुए हमें कैची धाम में नीम करोली बाबा के। फिर उसके बाद हम सौरभ के घर गए, इतनी अच्छी और सीधी सादी सिंपल फैमिली, मज़ा आ गया उनसे मिलकर। और इतना अच्छा खाना बनाया सौरभ की मम्मी ने और उसकी चाची ने कि मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी खाना था। भट की दाल, भट के डुबोए, डुबोए नहीं बेटा डुबके, डुबके सॉरी डुबके डुबके। सो गाइस थैंक यू सो मच, ये तीन दिन हमारे इतने अच्छे निकले हैं सच्ची, और हमने बहुत सारी दुआ की है आप सबके लिए भी। आप सब हमेशा खुश रहो और बस हमें ऐसे ही पसंद करते रहो, प्यार देते रहो, हमारे ब्लॉग्स देखते रहो। बहुत थक गए हैं, ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं और कल एक हंसते खेलते ब्लॉग के साथ फिर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल हम जा रहे हैं वापस मुंबई। थैंक यू जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और बस कल मिलते हैं, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, पीस।